नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड आप लोगों के लिए काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से रिया और आलिया का जो प्लान है वो पूरी तरीका से फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि रिया और आलिया ने जो प्लान बनाया था कि हम जीत हासिल करेंगे, लेकिन दोस्तों जीत हासिल तो बहुत दूर की बात है, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए। और फाइनली रणवीर ने प्राची, सहाना, सिड और सिड की बहन को वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया है। आप लोग जानते ही हैं कि जिस तरीका का ये लोग प्लान कर रहे थे आलिया रिया के खिलाफ, आलिया रिया जो कर रही थी रणबीर और प्राची के खिलाफ, कि रणबीर की नज़र में हम प्राची को गिरा दें और प्राची को पहले रणबीर की नज़र से गिराया जाए, उसके बाद में प्राची, सहाना, सिड और सिड की बहन को जलाकर हम मार देंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि बचाने वाला बहुत बड़ा होता है, और इस समय रणबीर को भगवान की तरफ से कैसे मान लीजिए कि उसकी आंखें खुली और उसने तुरंत ही प्राची को बचा लिया, बल्कि सभी लोगों को बचाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जहां पर इस समय सबसे ज़्यादा डरी हुई, सहमी हुई नज़र आ रही हैं आलिया और रिया। आलिया रिया को खतरा मंडरा चुका है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है और ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि रणबीर जैसे ही गाड़ी में था और बेहोश था, और रिया और आलिया ने देखा कि रणबीर तो गाड़ी से गायब है, लेकिन दोस्तों वो प्राची को गोद में उठाकर ला रहा था। आप लोग जानते ही हैं कि जल्दी ही आलिया और रिया दोनों ही एक्सपोज होंगी, और एक्सपोज करने वाला कोई और नहीं है बल्कि आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार रणबीर ही एक्सपोज करेंगे, क्योंकि प्राची तो हमेशा रणबीर के साथ देंगे ही, क्योंकि प्राची जानती है कि रणबीर को ये लोग भड़का रहे हैं। और आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार आप लोगों के बीच में एक बार फिर से प्राची बोलती हुई नजर आने वाली है रणबीर से, कि रणबीर इन लोगों ने जिस तरीका से तुम्हें मेरे और सिड के बारे में बताया है वो पूरी तरीका से गलत है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगी जो तुम्हें अच्छा ना लगे। जी हाँ साथी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं गाइस आपको मेरी वीडियो आखिर कैसे लग रही है। थैंक यू।